Hey guys, hello everyone, कैसे हैं आप? सोनर्स गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है आपका. फ्रेंड्स, आज हमारे लखनऊ में बहुत बारिश हो रही है. बारिश बहुत तो नहीं हो रही है, बट बारिश हो रही है. और यहाँ का टेम्परेचर इतना लो हो गया है, इतनी ठंड हो रही है, और क्लाइमेट में इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि हमारा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है. तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा चलिए, शाम का समय हो रहा है और थोड़ा सा आपको क्लाइमेट के बारे में बता दें. हम लोग आज पूरे दिन खूब एंजॉय कर रहे हैं, क्लाइमेट का मज़ा ले रहे हैं अपनी ग्रीनरी और अपने गार्डन के साथ. तो फ्रेंड्स, मैंने भी सोचा कि चलिए एक वीडियो अपलोड कर देते हैं आप लोगों के लिए. और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये देखिए, जिसको स्थल कमल कहते हैं, लैंड लोटस कहते हैं, उसका ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर खिला है. और ये देखिए, ये अभी खिला है, जल्दी आज खिला है, और ये कल का खिला है. ये देखिए, और ये देखिए, ये इसका, ये तो ये देखिए, एक ही प्लांट में दो कलर हैं. ये देखिए, एक ही प्लांट में दो कलर हैं. और फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत, और इसका साइज़ देखिए फ्लावर्स का, कितना मतलब अच्छा है, आप देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ये आप ज़रूर अपने प्लांट अपने घर में लगाएं, ऐड करें अपने गार्डन में. और मैंने सोचा इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है कि मैं इसकी प्रोपोगेशन के बारे में भी आपको बता दूं. फ्रेंड्स, आप रेनी सीज़न में और फेब के मंथ में आप इसको आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं. इसमें कुछ नहीं करना होता है फ्रेंड्स, इसकी बस आप कटिंग ले लीजिए, और थोड़ा सा मतलब बहुत पुरानी भी ना हो, बहुत न्यू ग्रोथ भी ना हो, बस इसको ले करके आप जो है, या तो आप पानी में डाल के इसको, इस कटिंग को आप लगा सकते हैं, या प्रोपोगेट कर सकते हैं, या आप जो है इसको सिंपल मिट्टी में, आप इसमें कुछ मिट्टी में जैसे गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट लगा कर मिला करके आप इसको लगा दें, तो भी आप बहुत जल्दी ये प्रोपोगेट हो जाती है. और पानी में भी आसानी से इसकी, आप सिर्फ पानी में इसकी स्टेम डाल दें और कुछ दिन बाद इसमें रूट्स आ जाती हैं फ्रेंड्स. तो बहुत आसान है ये लगाना, बस इसमें इसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिली बग्स की ही होती है. उसको हमें जो है मिली बग्स लगने से पहले ही हमको इसकी केयर कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए. हमें समय समय पर इसमें हम लोग वीकली स्प्रे करते रहते हैं नीम ऑयल का, तो या कोई अच्छे पेस्टिसाइड का, बस इतनी ही प्रॉब्लम इसमें रहती है फ्रेंड्स. और ये देखिए, आप सुंदर सुंदर फूलों का नज़ारा लीजिए मेरे साथ. और फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस समय इतनी ठंड और इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मैं आपको बता व्यक्त नहीं कर सकती हूँ कि यहाँ कितना ठंडा मौसम हो गया है. बट इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे. और ये हम जो गार्डन, टेरेस गार्डन बनाते हैं उसमें, उसके साथ इस मौसम का एंजॉय ही, एक आनंद ही अलग है फ्रेंड्स. ये देखिए, सुंदर सुंदर फूलों के साथ. और मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ आपको, और आपको अपने लखनऊ का क्लाइमेट भी अवगत करा देती हूँ कि आज का मौसम कैसा है हमारे लखनऊ में. तो फ्रेंड्स, इस मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहती हूँ. इसी के साथ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूँगी, और नेक्स्ट कुछ अच्छा ही टॉपिक लेके आऊँगी फ्रेंड्स. तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग.